नेताजी काशीराम जी ने इनको रोका था, माननीय अखिलेश यादव जी और मायावती जी इनको खत्म करेंगे। ये लोग समझते हैं, अच्छा क्योंकि हम बातचीत यहाँ कर रहे थे कि अगर मंदिर मस्जिद का मुद्दा उठाती है, अगर राम के नाम पे राजनीति करती है भाजपा, तो उसका तोड़ क्या लेकर आएगी। एक हमारे सामने एक मिसाल है, 1990 के दौर में राम मंदिर को लेकर के फिर एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की ओर से। तब एक राजनीतिक नारा दिया गया, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जय श्री राम उसे कहा गया जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पे कम्युनल राजनीति कर रही थी, और एक हद तक रोक कर दिखाया भी। मुलायम और कांशी राम ने अपने गठबंधन के जरिए भारतीय जनता पार्टी को रोक कर दिखाया। क्या वही चीज अब अखिलेश और मायावती के इस गठबंधन को जो लगभग तय हो चुका है, उस पर क्या सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसी तरह से जो हिंदुत्व की राजनीति अब खड़ी की गई है, क्या 28 साल बाद वही चीज दोहरा पाएंगे अखिलेश? देखिए, यहां सवाल भगवान राम का नहीं है बीच में, क्योंकि जब वो घोटाले करते हैं तो भगवान राम का नाम ले लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 3 नारे बहुत अच्छे, उसे पूछो रोजगार दिया तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे वंदे मातरम, उसे पूछो गंगा मैया साफ हुई तो कहेंगे भारत माता जिंदाबाद। तो वंदे मातरम, भारत माता जिंदाबाद, ये सब लोग करते हैं, इसके कोई खिलाफ थोड़े ही है। लेकिन आप अपने कुकर्म छिपाने के लिए, जवाब नहीं है उस पर आप तुरंत नारा लगाने लगते हैं। तो भारत माता जिंदाबाद है, लेकिन भारत माता के जो बेरोजगार नौजवान है वो तो सड़कों पर लाठी खा रहे हैं, योगी सरकार मरवा रही है। और जहां तक सवाल है भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से रोकेंगे, तो आपने कहा कि नेताजी और काशीराम मिलकर के उनको रोका था, अब की जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को खत्म करेगा, सिर्फ रोकेगा नहीं। ये कब तक भगवान राम के नाम पर, कब तक जात के नाम पर, कब तक धर्मों में बंटवारा करके, कब तक भारतीय राजनीति में संघ और भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति करेगी? अच्छा, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक है, तमाम सवाल उठ रहे हैं कि राजनीतिक दल तो एक हो गए, नेता तो एक हो गए, क्या वोटर्स भी एक साथ आएंगे? मुझको लगता है कि नेताजी और काशीराम जी जब मिले थे तब पहले गठबंधन ऊपर हुआ था, नीचे तक गया था। इस बार गठबंधन नीचे हुआ है, ऊपर बाद में गया है। तो अब की जब सामंती सोच के लोग सरकार में आए, जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, जो पिछड़े और दलितों को आज भी सांप और छछूंदर से ज्यादा नहीं मानते हैं कुछ, उनके खिलाफ ये दोनों लोग निचले स्तर पर एक हो गए, उसके बाद फिर दल एक हो गए, नेता एक हो गए। इसीलिए मैंने कहा कि नेताजी काशीराम जी ने इनको रोका था, माननीय अखिलेश यादव जी और मायावती जी इनको खत्म करेंगे।